कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पीएम मोदी से मिलने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के मुताबिक किसानों की कर्ज माफी की मांग को लेकर राहुल गांधी पीएम से मुलाकात करेंगे। देवरिया से दिल्ली तक 2 करोड़ से ज्यादा किसानों के मांग पत्र हैं और हमारे पास किसानों के मांग पत्र हैं पंजाब के लगभग 50 लाख। ये वो प्रधानमंत्री को देने जाएंगे कि कर्जा माफ करो। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, किन किन मुद्दों पर बात होगी राहुल गांधी और बाकी नेता जब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री के पास? तो देखिए, जब राहुल गांधी के साथ गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, अंबिका सोनी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे जो यूपी से हैं, चाहे राज बब्बर हो या फिर दूसरे नेता होंगे। यूपी और पंजाब, ये 2 प्रदेशों से जहां चुनाव भी होने हैं, वहां के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे थोड़ी देर में। और ये जिस तरह से आनंद शर्मा भी बता रहे थे, किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस ने बड़ी संख्या में एक प्रपत्र तैयार किया है, मेमोरेंडम भी तैयार किया है। ये सारे मेमोरेंडम प्रधानमंत्री को सौंपे जाएंगे जो कांग्रेस के अनुसार लगभग करोड़ों की संख्या में है। किसानों ने मांग की है कि उनके जो कर्ज है वो माफ किया जाए। कहीं ना कहीं राहुल गांधी पहले भी ये बात उठाते रहते थे कि नोटबंदी की बात हो, ब्लैक मनी की बात हो, बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन किसानों की हालत खराब है, उनके कर्ज माफ किया जाए, उनकी दशा सुधारी जाए, इसको लेकर सीधे। और देखिए कि सदन भले ही नहीं चला हो, सदन में प्रधानमंत्री की उपस्थिति की बात कही जा रही हो, राहुल गांधी अपने भाषण की बात कर रहे हैं, लेकिन सदन के बाहर काफी एक्टिविटी रही अभी राहुल जी। रविंद्र, आप बने रहिए, बहरहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, लेकिन आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट के लिए आते हैं।